ओम शांति बच्चों, आज कितने तारीख का मुरली पढ़ाऊं बच्चों? हैला सर, आज एक तारीख है, एक तारीख का तो पढ़ा दीजिए। क्या सर, आप दो तारीख का पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं बच्चों, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं आज का ही मुरली आपको सुनाता हूँ। मीठे बच्चे, आज बाबा ने बोला तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुण को त्याग करो। अरे सर जी, हमारे में तो गुण ही गुण भरा हुआ है, आप अवगुण की बात कर रहे हो क्या सर? हमें मालूम है। अरे बच्चे, पहले सुन तो लो बाबा ने आगे क्या कहा। अरे सर, हमें सब कुछ मालूम है, आप सुनाओ सुनाओ। बच्चों, गुस्सा करना, किसी को मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी करना, यह सब महापाप है, बाबा ने बोल दिया और इसे निभाना चाहिए हमारे पूरे जीवन में। आज का क्वेश्चन है, इस ज्ञान में कौन सा बच्चे तीखे जा सकते हैं और कौन सा बच्चा घाटे में जाएंगे, बताओ। तुम्हारे लिए बाबा ने आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। सर जी, मैं भी घाटे में नहीं जाऊंगा। उत्तर में बाबा ने हमें बताया, जिन्हें अपना पोता मिले रखना आता है, वह इस ज्ञान में बहुत ही तीखे जा सकते हैं बच्चों। घाटा उनका पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोग का पोता मिल निकलने का आदत होता है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं बच्चों। इसलिए व्यापारी जैसा बनो। मेरा पापा भी बहुत बड़ा व्यापारी थे सर, मैं भी बड़ा होके व्यापारी ही बनूंगा। मैं भी सर बन जाऊंगा बड़ा होके व्यापारी, खाली ये क्या बन सकता है? अरे बच्चों, मैं उस व्यापार का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। ये व्यापार ज्ञान का है, इस ज्ञान में जो तीखा जाएगा वो ही अच्छा व्यापारी बनेगा। और तुम बाहर की बातें क्यों करते हो? चुपचाप सुन लो बाबा ने अभी क्या बोला। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करो। हाँ सर, हम दैवी गुण जरूर धारण करेंगे। खराब आदतों को निकालनी है और बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। नंबर टू पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस जरूर करना है और रूहानी सेवा में तत्पर रहना है और बड़ों को रिगार्ड तो जरूर जरूर देना है। मैं तो सभी को रिगार्ड देता हूँ सर। मैं भी सर। आज का वरदान है सर्व जनों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। और वरदान में आज बाबा बोल दिया, महादानी बनो और अखंड महादानी बनो। सर, मैं तो दान करता फिरता रहता हूँ। और सर, मैं तो महादानी हूँ, महादानी। तुम दोनों क्या हो, मेरे को तो अच्छी तरह से मालूम है,
अभी विस्तार में बाबा ने क्या बोला वो सुनो। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है और भरपूर रहता है, ठीक ऐसे ही आपका भंडारा ज्ञान और शक्ति खुशी में भरपूर रहना चाहिए बच्चों। इस भंडारे को सदा यूज करते रहो। इस भंडारा अगर खुला रहेगा तो चोर नहीं आएगा, लेकिन बंद रहा तो चोर आ जाएगा। इसीलिए जो बाबा का खजाना आपको प्राप्त हुआ है वो स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करते रहो। इसे कहते हैं अखंड महादानी। आज का स्लोगन है बाबा का, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओम शांति। ओम शांति।